हाँ फ्रेंड, अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस के। फिर से मैं लाया हूँ एनसीईआरटी 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का ये थ्योरी वीडियो, जिसमें टॉपिक्स है कंपोजिट फंक्शन। तो पहले एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के पहले हम उसके पहले थ्योरेटिकल वीडियोज को देखेंगे, उसमें काम करेंगे। तो पहला टॉपिक आया कंपोजिट फंक्शन। तो पहले हम लोग को समझना ये जरूरी होगा कि क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। पिछला बार में तो हम लोग सिर्फ फंक्शन में पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, अब हम लोग को आया कंपोजिट फंक्शन। तो सौ बात की एक बात, कंपोजिट फंक्शन जो है दो या दो से अधिक फंक्शन को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर दो फंक्शन मिले, तीन फंक्शन मिले, सब साथ साथ मिले, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। फंक्शन एक फंक्शन है जिसका ए से बी इमेज बन रहा है, और दूसरा फंक्शन का नाम जी है और इसका इमेज बी से सी बन रहा है। अगर ये दोनों से हमको प्राप्त होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दोनों फंक्शन से ए, यानी कि दोनों को मिला करके जो हमको फंक्शन मिला वो फंक्शन क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। इज कंपोजिट फंक्शन जहां ए बी सी क्या है, तो नॉन एम्प्टी सेट है। और हम लोग तो फंक्शन में भी ऐसा डिस्कस किया था कि फंक्शन तभी बनाएगा जब ए और बी नॉन एम्प्टी होगा। तो यहाँ चूंकि फंक्शन है तो तीन चार सेट मिल सकता है, कंपोजिट फंक्शन है तो तीन चार सेट मिल सकते हैं, और तीनों चारों सेट जितने भी सेट मिलेंगे वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। मान लिया कि ए एक सेट है, दूसरा बी एक सेट है, और तीसरा एक सी सेट है। और जैसा कि बोला सवाल में कि ए से बी का जो सेट है वो एक में फंक्शन है, यहां से यहां तक एक में फंक्शन है, और यही बी जो है सी में दिखा रहा है, तो एक ऐसा फंक्शन है जी में फंक्शन है। तो जो पहले मिलेगा उसको बोलते हैं एक्स, और यहां तक के ए को एक्स से कोऑर्डिनेट करेंगे तो एफ एक्स बनेगा, और G से इसको कोऑर्डिनेट करेंगे तो G के अंदर एफ एक्स बनेगा। क्योंकि ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है कि यहाँ X का जो सेट है वो F से अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो एफ एक्स बनेगा, और यहाँ पे जो अब एफ एक्स बनेगा आगे का फंक्शन G में करना है, तो यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा वो G के अंदर इसको डालेंगे, G के अंदर एफ एक्स मिलेगा। और हम डायरेक्टली यहां से यहां तक का काम कर लिए हैं तो क्या मिला, ये जी सर्किल एफ, जी सर्किल एफ यानी कि जी ओ एफ, इसको पढ़ते हैं। तो जी ओ एफ अगर ऐसा रहेगा तो इसको पढ़ते हैं जी सर्किल एफ या फिर जी ऑफ एफ। अगर एफ पहले आता जी बाद में आता तो पढ़ते एफ सर्किल जी या एफ ऑफ जी, तो कुछ भी हम लोग उसको पढ़ सकते हैं दोनों में से। अब चलिए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मान लिया कि एफ सर्किल जी सर्किल एच ऑफ एक्स है, तो इसको कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, तो जहां सर्किल है वहां पे एक बड़ा ब्रैकेट उसके अंदर का मामला है। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ऐसे लिखेंगे, यानी कि ए जो है सबसे बाहर होगा, उसके अंदर जी होगा, उसके अंदर एच होगा। इसको हम लोग लिखने का तरीका समझेंगे। अगर मान लिया कि ऐसे एफ जी सर्किल एच सर्किल आई ऑफ एक्स, अगर ऐसा मिल गया तो क्या लिखेंगे, अगर ऐसा मिला तो हम लोग इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ आई ऑफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। तो जो भी अगर सर्किल है तो सर्किल को हम लोग ब्रेक करके एक बड़ी ब्रैकेट्स दे सकते हैं और उसके अंदर उसको डाल सकते हैं, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है ए जी एच आई ऐसे करके। तो हम लोग को दो या दो से अधिक जब भी फंक्शन मिलेगा, और दोनों फंक्शन, तीनों फंक्शन, चारों फंक्शन, जितने भी फंक्शन दिए रहेंगे सबको एक साथ कोरिलेट करके अगर लिखना होगा दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। यानी कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, तो एक के बजाय दो या तीन सेट दिए रहेंगे, तीन फंक्शन रहेंगे, चार फंक्शन रहेंगे, और सबको एक साथ मिला करके अगर लिख देंगे उसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। fx का वैल्यू गिवन है, fx का वैल्यू 3x² है, gx का वैल्यू 4x+2 है। तो हमको फाइंड आउट करना है दो चीजें, पहला बात कि f सर्किल g ऑफ x, और दूसरा फाइंड आउट करना है g सर्किल f ऑफ x। तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम लोग पहला इस पार्ट को सॉल्यूशन करते हैं।
हमको दो चीजें निकालना है, f सर्किल g ऑफ x भी निकालना है और दूसरी मर्तबा हमको g सर्किल f ऑफ x भी निकालना है। क्योंकि हमको fx का वैल्यू दिया हुआ है और gx का वैल्यू दिया हुआ है और हम दो चीजें पूछा है, तो हम पहले इसको कैसे निकालेंगे, इसको जो निकालेंगे f सर्किल है पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे तो बनेगा f, इसको ब्रैक करेंगे तो g ऑफ x बनेगा। अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला काम जो करते हैं हम लोग अंदर, यानी कि जो चीजें अंदर है उसका वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अंदर क्या है, अंदर है g ऑफ x और g ऑफ x का सवाल दिया हुआ है तो अंदर में रखेंगे तो क्या बनेगा 4x plus 2। अब जो चीजें अंदर में है हम अब अंदर वाले को मान लेंगे अपने से p, अगर अपने से p मानेंगे तब क्या बन गया, अब f of p बन गया और f of p बना तो fx का मतलब 3x square, तो fp का मतलब क्या, fp का मतलब 3p square, fx का मतलब 3x square, तो fp का मतलब 3p square और हम लोगों ने अपने तरफ से p माना है तो यहाँ p का वैल्यू रख देंगे, p हम किसको मान रहे थे तो 3 into 4x plus 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने तो इसको अपने तरफ से पी माना था तो पी के आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा फिर अगर दूसरे मतलब का अगर बात करते हैं तो हमको सवाल में जी सर्किल एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है, जी सर्किल एफ एक्स पूछ रहा है तो जी सर्किल एफ एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जी सर्किल एफ एक्स को जो फाइंड करने का तरीका होगा वो इसको भी ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे बनेगा। अब g ऑफ f ऑफ x बनेगा तो इसको हम लोग कैसे काम करेंगे, इसको जो हम लोगों ने काम करा इसको लिख दिया g और fx का वैल्यू तो साफ साफ दिया था 3x square, तो यहाँ पुट कर दिया 3x का स्क्वायर। अब g 3x square बना तो 3x square को फिर से मैंने माना p, तो अब क्या बना, अब बन गया g ऑफ p और g ऑफ को जरूरी नहीं है कि इसको p ही मानना है, आप अपने हिसाब से r s t a b c d कुछ भी मान सकते हैं, हमने माना p तो यहाँ बना gp और gp का वैल्यू क्या, तो जब gx का वैल्यू 4x plus 2 तो gp का वैल्यू 4p plus 2, क्योंकि इसी के जैसा कोरिलेट करना है इसको भी, तो जैसा फंक्शन रहेगा तो g में जैसा फंक्शन है तो 4x plus 2, तो इसको जो हम लोगों ने p माना है इसको काम होगा 4p plus 2 और 4p plus 2 का मतलब क्या, p हम लोगों ने 3x square को माना था तो यहाँ पर रख दिया 4 into 3x square plus 2 और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 किया बनेगा 12, 12x square plus में 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से अगर अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा fx का gx का तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कंपोजिट फंक्शन को, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे fx भी है gx भी है और भी अदर फंक्शन आ सकते हैं, दो या दो से अधिक फंक्शन जहां भी आएंगे उसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। तो हम लोग कंपोजिट फंक्शन का वैल्यू ऐसे निकालते हैं अगर दो या दो से अधिक फंक्शन वैल्यू को दिए रहेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें फंक्शन f का जो वैल्यू दिया है वो कह रहा है कि ये वाला स्टेट जो है इसका, मतलब हम लोग पिछले चैप्टर में देख रहे थे 1.2 में कि R2R होता था, यहाँ पे तो सेट है, ये सेट से ये सेट फंक्शन f दिखा रहा है और 4.2 वाले सेट से 1.4.7.2 वाले सेट को g फंक्शन दिखा रहा है, तो हम लोगों को तो यहाँ से काम पता चल गया कि दो फंक्शन दिया है तो कंपोजिट फंक्शन का मामला चलने वाला है। तो यहाँ पे दो फंक्शन दे दिया है f और g और उसी का बात ये है कि यहाँ पे जो f फंक्शन दिया है किसका किसमें इमेज बन रहा है वो भी चीजें दिया हुआ है, यानी कि f वाले फंक्शन में 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 2, 6 का इमेज 4 एंड g वाले फंक्शन में 4 का इमेज 7 और 2 का इमेज 4, तब हमको फाइंड आउट करना है g सर्किल fx का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग पहले जो सेट दिया है f का वो कैसे कैसे सेट है उसको हम दर्शाते हैं, तो 2 है 3 है और 6 है, दूसरे वाले सेट में 4 और 2 है और इसका फंक्शन इसमें बता रहा है f, यानी कि a सेट से ये सेट का नाम f है और दूसरा कि 4 2 वाले से एक तीसरा सेट है, तीसरा सेट में क्या क्या है
वन है, फोर है, फिर सेवन है और टू है, और इसका इससे फंक्शन का नाम जी है। मैंने लिख दिया जैसा सवाल बोल रहा था, यहाँ तक के यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब जो सवाल बोल रहा है कि एफ का जो फंक्शन है, टू का इमेज फोर है, टू का इमेज फोर बनाया, थ्री का इमेज टू है, थ्री का इमेज टू बनाया, सिक्स का इमेज फोर है, सिक्स का इमेज फोर बनाया, और फिर जी वाले केस में फोर का इमेज सेवन है, फोर का इमेज सेवन बनाया, टू का इमेज फोर है, टू का इमेज फोर बनाया। अब ये तो चार्ट तैयार हो गया, फिगर तैयार हो गया। अब हमको जो यहाँ से निकालना है जी सर्किल एफएक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों ने तो सीखा है कि कैसे निकालेंगे, तो ये होता है एक्स पार्ट और ये होता है एफ ऑफ एक्स पार्ट। जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ रहा था इसका, इसके पिछले बार थ्योरी चल रहा है, लेकिन इसके पीछे जस्ट पीछे हम बता रहे हैं कि ये होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसके अंदर ये वाला और ये इसके अंदर एफ एक्स, एक्स जो है एफ के अंदर एफ एक्स, जो है जी के अंदर जी एफ एक्स। तो अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ एक्स का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, तो एक्स का वैल्यू एक बार दो ले सकते हैं, एक बार तीन ले सकते हैं, एक बार छह ले सकते हैं, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पे तीन ही है ना सेट में। तो चलिए हम लोग पहले अगर जी सर्किल एफ ऑफ टू को लेकर काम करते हैं तो टू बनेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू तीनों है तो तीनों पे फाइंड आउट करना होगा। तो इसका वैल्यू जो होगा जी सर्किल एफ ऑफ टू का वैल्यू फोर होगा, क्यों, क्योंकि टू का इमेज चार में बन रहा है, तो इसका वैल्यू हम लोग चार लिख देंगे। और इसको जो लिखने का तरीका है जी के अंदर फोर लिखेंगे। जी सर्किल का मतलब ये होता है ब्रैकेट, हम लोग पीछे ही पढ़ा था कि सर्किल को लिख सकते हैं जी ऑफ फोर, तो जी ऑफ फोर का वैल्यू हुआ, तो जी में फोर का इमेज सेवन, तो इसका वैल्यू बन गया सेवन आंसर। अब टू के लिए देखे थे ना, अब पूरा थ्री के लिए काम करेंगे, तो यहां बनेगा जी सर्किल एफ ऑफ थ्री। इसको कैसे लिखेंगे, तो एफ ऑफ थ्री काम, तो एफ में थ्री का इमेज टू है, एफ में थ्री का इमेज बनाना है टू में, तो इसको लिख दीजिए जी सर्किल टू। अब जी सर्किल टू का मतलब क्या, तो जी ऑफ टू। अब देखेंगे कि जी में दो का इमेज कहां, तो जी में दो का इमेज चार, तो जी में दो का इमेज चार। अब एक्स में एक और वैल्यू है सिक्स, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जी सर्किल एफ ऑफ सिक्स। तो अब एफ एफ में सिक्स का मान कितना, तो एफ में सिक्स का मान चार, सिक्स का इमेज चार में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जी ऑफ फोर। और जी ऑफ फोर यानी जी सर्किल एफ हाँ, इसको लिख सकते हैं जी सर्किल चार, और जी सर्किल चार या जी ऑफ चार का वैल्यू जी में चार का इमेज कहां, तो इसका आंसर एक था जी सर्किल एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो एक दो रखने पे सात, तीन रखने पे चार, छह रखने पे सात, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कि जी सर्किल एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो दो रखने पे सात, तो दो कॉमा सात कॉमा, तीन रखने पे चार, तो इसका आंसर हो जाएगा तीन चार, और छह रखेंगे तो सात, तो इसका आंसर आएगा छह सात। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ। आप देख पा रहे होंगे कि ये कंप्लीट फंक्शन को हम लोगों ने कैसे इसको सॉल्व कर रखा है, कैसे हम लोग देखते हैं। इसी थ्योरी के अंतर्गत एक टॉपिक आया इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, इसी को बोलते हैं इनवर्टिबल, इनवर्टिबल फंक्शन या इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब क्या होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, लेट एफ बी अ 1-1-2 फंक्शन विद डोमेन ए एंड कोडोमेन बी। इसका मतलब यार कोई भी फंक्शन 1-1-2 होना जरूरी है। पहला ध्यान कान खोलकर सुन लीजिए कि इनवर्टिबल फंक्शन या इनवर्स निकालने के लिए उसी फंक्शन का इनवर्स निकलेगा जो 1-1-2 दोनों साथ में फंक्शन होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो ध्यान से सुन लेना है कि इनवर्स फंक्शन यानी कि उसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है जो फंक्शन 1-1-2 दोनों साथ साथ होगा। और अगर हम लोग इसको समझना चाहते हैं तो अगर मान लें कि कोई फंक्शन का डोमेन ए है और कोडोमेन बी है, अगर हम उसको पलट देंगे यानी कि एफ इनवर्स कर देंगे, मतलब कि अब डोमेन ए की जगह पे अब डोमेन बी को बना लेंगे और कोडोमेन ए को बना लेंगे, उसको बोल देंगे इनवर्स फंक्शन। जैसे
एग्जांपल मान लेते हैं एक सेट है ए का जिसको हम बोल रहे हैं डोमेन और बी का सेट है और इसमें फंक्शन एफ है राइट। अगर हम इसमें दो चार छह लिया आठ दस भी लिया इसका इमेज इसमें बना दिया इसका इमेज और इसका इमेज इसमें बना दिया ये मेरा एक कोई फंक्शन है। अब इसी को इन्वर्स करना है यानी कि इन्वर्टिबल बनाना है तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमको क्या काम करना होगा सॉरी क्यों क्योंकि ये मैनुअल हो जाएगा तो हम उसी फंक्शन का इन्वर्स निकालेंगे जो वन वन और ऑन टू होगा। तो अभी तो दिख पा रहा होगा ऑन वन और ऑन टू फंक्शन है तो अगर इसी को हम लोग अगर पलटेंगे मीन्स दैट जब ए की जगह कौन आएगा तो बी वाले सेट में आठ दस था यहाँ आठ दस होगा ए वाले सेट में ये बी में चला जाएगा दो चार तो दो चार और साथ ही साथ दो का इमेज दस में तो यहाँ दस का इमेज दो में और चार का इमेज आठ में तो आठ का इमेज चार में और इस फंक्शन को बोलेंगे एफ इनवर्स फंक्शन। यानी कि पहला बात की इनवर्टिबल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन क्या होता है तो इनवर्स फंक्शन का मतलब है कि वैसा फंक्शन जो वन वन और ऑन टू होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर किसी डोमेन का किसी फंक्शन का डोमेन ए है तो उसको अगर इन्वर्स करेंगे तो वो को डोमेन बन जाएगा। अगर किसी फंक्शन का कोई को डोमेन का सेट है वो बन जाएगा डोमेन का सेट। आप देख पा रहे होंगे ए वाले सेट और बी वाले सेट डोमेन को डोमेन और ये वाला को डोमेन बन गया है डोमेन और ये वाला डोमेन बन गया है को डोमेन और यहाँ एफ नहीं बोलेंगे एफ इन्वर्स बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डोमेन और को डोमेन को जस्ट पलट करके सेट में और उसका इमेज भी उल्टा बना देते हैं दैट इज व्हाट इनवर्टिबल या इनवर्स फंक्शन। और दूसरा बात कि उसको होना कौन सा जरूरी फंक्शन है वही फंक्शन जो वन वन और ऑन टू होगा उसी का हम लोग काम करेंगे उसी का निकाल सकते हैं इनवर्स। अब मान लिया कि एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन वाई है एफ एक्स जो फंक्शन है वो वाई जो फंक्शन है अब उसका हम लोग इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ये y को इसके अंदर लाएंगे तो सिर्फ x बाहर होगा। यानी कि अगर f of a बराबर सपोज दैट b है तो अगर हम इसको इनवर्स चलाना चाहते हैं तो इनवर्स लाने के लिए b को अंदर लाना पड़ेगा तो अब b इनवर्स और बाहर जाएगा ये। यानी कि एक प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया रहे हमको एफ पे इनवर्स चढ़ाना होगा तो राइट वाले को उसके बाजू में अंदर में लेना होगा और अंदर वाले को बाहर करना होगा। सपोज दैट कि मेरे को फंक्शन है एफ एक्स बराबर टू वाई प्लस फोर ये फंक्शन है हम चाहते हैं कि एक इनवर्स चढ़े तो एक इनवर्स तभी चढ़ेगा जब ये वाला इसके बाजू में आएगा टू वाई प्लस फोर और ये बाहर जाएगा एक्स राइट। तो एफ इनवर्स को हम लोग की प्रॉपर्टीज है इसको समझने के लिए ऐसा लिखे थे कि एफ एक्स बराबर वाई है तो अगर वाई इसके बाजू में आएगा तभी इससे एफ इनवर्स चढ़ेगा यानी कि एफ इनवर्स वाई बराबर हम लिख सकते हैं एक्स। देखते हैं और हम लोग एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। पहला बात कि जो नोट में बात लिखा हुआ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग आंख बंद करके किसी भी फंक्शन का एफ इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। कारण यह है कि उसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है उसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है जो वन वन और ऑन टू दोनों का। तो चलिए नोट में क्या बात लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर एफ वन वन ऑन टू फंक्शन होगा तभी एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा तभी एफ इनवर्स निकलेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को हमेशा कि सभी फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता है उसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है जो वन वन और ऑन टू फंक्शन होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एफ इनवर्स निकालो एफ इनवर्स का वैल्यू क्या होगा यदि फंक्शन दिया हुआ है 3x plus 4। अगर मान लिया कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x plus 4 दे दिया हमसे पूछा जा रहा है कि एफ इनवर्स निकालो कैसे निकालोगे तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला बात कि यहाँ पे कुछ लेट मान लीजिए कि एफ एक्स का वैल्यू वाई है एफ एक्स का वैल्यू वाई है इसको मान लिया इक्वेशन नंबर वन। अगर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर वन माना तो इसका इनवर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं इसको लिखा एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स इसको भी लिखना जानते हैं क्योंकि अभी अभी प्रॉपर्टीज सीखे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन का वैल्यू दिया है तो हम लोग इनवर्स चलाकर ऐसा लिख सकते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर टू। जो इक्वेशन दिया है हमें क्या दिया है तो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर थ्री एक्स प्लस फोर। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि एफ एक्स का वैल्यू तो हमने वाई मान रखा है तो इसके जगह पे वाई का वैल्यू निकालेंगे तो थ्री एक्स प्लस फोर हो जाएगा। अब जो इक्वेशन बनेगा यहां से हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है
तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, तो x का वैल्यू तभी निकलेगा जब पहले 4 को इधर भेजेंगे, तो बनेगा y - 4 = 3x और यहां से बनेगा y - 4 / 3 = x। यानी कि जो भी इक्वेशन बनेगा इसका वैल्यू पुट करने के बाद x का ही वैल्यू हमेशा निकालना है, ध्यान से देखिएगा x का ही वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकल गया, क्या आया x का वैल्यू इससे, तो y - 3 और ये डिवाइड में चला जाएगा 4। तो x का वैल्यू निकालने के बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अगर आप देख पा रहे होंगे तो x का वैल्यू हम लोग क्या डाल सकते हैं, f इनवर्स y डाल सकते हैं। तो इसके जगह पे अगर हम लोग डालेंगे तो y - 4 / 3 = f इनवर्स y। तो अब यही हो गया f इनवर्स, यानी कि इनवर्स का वैल्यू क्या हो गया, तो y - 4 / 3। अब हम लोग ये काम कर सकते हैं कि f इनवर्स y में है तो y का फंक्शन। अब इसी को हम लोग बहुत सारा आंसर कर सकते हैं, जैसे f इनवर्स y बराबर y - 4 / 3, दैट इज राइट आंसर। कोई बताया कि नहीं, f इनवर्स x बराबर x - 4 / 3, दैट इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यहां y में फंक्शन है तभी तो y आया है, यहां x रखेंगे तो यहां भी x, t रखेंगे तो t, p रखेंगे तो p। यानी कि मामला यहां ये सेट हो रहा है कि अब ऑप्शन में अगर x में y में फंक्शन नहीं दे दिया, वो g में फंक्शन दे दिया, f इनवर्स g बराबर g - 4 / 3, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। इसका मतलब हमें तो इनवर्स पूछा था, तो इनवर्स किसी भी फंक्शन में निकाल सकते हैं, तो हम एक फंक्शन में मिल जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। अब ये बात अलग रहा कि एक इनवर्स p में पूछेगा, आप यहां p - 4 / 3 करेंगे तो यहां सभी चीजें आंसर सही होंगे। अगर आप सिर्फ इसको निकाल के आंसर करते हैं तो दैट इज करेक्ट, या फिर आप f इनवर्स y की जगह पे आप रिप्लेस करा सकते हैं y को x के साथ, तो किसी के साथ भी आप रिप्लेस करा सकते हो। f इनवर्स x का वैल्यू अगर लिखेंगे तो यहां इनवर्स निकलेगा x - 4, तो दैट इज डन। आप कैसे भी करके इनवर्स का वैल्यू ये वाला फाइंड आउट कर लो और फिर आप किसी भी फंक्शन में उसका आंसर दे सकते हो, सभी आंसर सही होंगे, बशर्ते जिस फंक्शन में आप आंसर लिखेंगे उसी फंक्शन में यहां भी आंसर दिया होगा, यानी कि y के लिए। That is completed. ये 1.3 exercise की जो कि NCERT की है, तो ये complete हुई। अब हम लोग next में लाएंगे 1.3 का solution की video। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें। आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। Thanks.